उसकी आंखों में देखो, आंखों में प्यार की भूखी है वो, प्यार से देखो, प्यार और प्यार से देखो। अरे हमारी गांड पटी हुई है, कहां से लाएंगे प्यार। इसमें कोई शक नहीं कि राजकुमार राव हमारे टाइम के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक है। वो किसी भी किरदार को इतनी सहजता से निभा सकते हैं, ये उनकी विविधता से भरी फिल्मोग्राफी साबित करती है। किसी भी किरदार को अपने अंदर उतार लेने की उनकी खूबी उन्हें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का फाइनेस्ट एक्टर साबित करती है। उनके निभाए हर रोल से उनकी पॉपुलैरिटी बड़े शहरों से लेकर गांव-गांव तक दिखाई पड़ती है। उन्होंने अपने किरदारों से कॉमन मैन की छवि इतनी बखूबी पकड़ी है कि ऑडियंस से उनको जोड़ देती है। उन्होंने अपने लगभग 10 साल के छोटे से करियर में ये दिखाया है कि वो किसी भी रोल को प्ले कर सकते हैं, और यही उनकी खूबी उन्हें ग्रेट एक्टर बनाती है। आज के इस एपिसोड में हम राजकुमार राव के 10 सबसे बढ़िया परफॉर्मेंसेस, जिनकी वजह से उनके एक्टिंग का लोहा लोगों ने माना, उन 10 फिल्मों के बारे में बात करेंगे। नंबर 10 पर है अश्विनी अय्यर तिवारी की 2017 की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बरेली की बर्फी। फिल्म में आयुष्मान खुराना और कृति सेन उनकी मुख्य भूमिकाएं थी। राजकुमार राव ने इस फिल्म में सपोर्टिंग कैरेक्टर प्ले किया था, मगर प्रीतम विद्रोही के किरदार से राजकुमार राव ने फिल्म में बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। फिल्म के वो एक्स फैक्टर बनकर सामने आए थे। बरेली की बर्फी में राजकुमार राव के वर्क की मेनस्ट्रीम सिनेमा की सबसे एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस थी। असल में आईने में शक्ल देखे तुमने अपने? अगर शक्ल देख के लड़के शादी करती ना तो हिंदुस्तान में आधे लड़के कबारे होते हैं। नंबर 9 पर है हंसल मेहता द्वारा डायरेक्टेड 2017 की क्राइम ड्रामा फिल्म ओमेरता। इस फिल्म में राजकुमार राव ने टेररिस्ट ओमर शेख का कैरेक्टर प्ले किया था। उन्होंने अपने किरदार की बारीकियों को इतने अच्छे से पेश किया है कि आप उन्हें एक रियल टेररिस्ट ही समझ सकते हैं। अगर आप राजकुमार राव को एक अलग ही अवतार में देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। आज हम हिंदुस्तान की आवाम और उसकी सरकार का सर झुका के रहा हुए हैं। ये इस बात का सबूत है कि इस जिहाद में अल्लाह हमारे साथ है, और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम काफिरों का सर हम ऐसे ही झुकाएंगे। 8वें नंबर पर है रत्ना सिन्हा द्वारा निर्देशित फिल्म शादी में जरूर आना। इस फिल्म के रिलीज के पहले ही राजकुमार राव ने लाखों फैंस के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। इस फिल्म में उन्होंने सत्येंद्र एके सत्तू का कैरेक्टर, कृति खरबंदा जिनका आरती नाम का कैरेक्टर है जो कि सत्तू का लव इंटरेस्ट है, वो कैरेक्टर प्ले किया है। सत्तू और कृति की अरेंज मैरिज तय होती है और वो इसी दौरान एक दूसरे के प्यार में पड़ते हैं, मगर आरती अपने आईपीएस ऑफिसर बनने के सपने के लिए शादी की रात ही शादी से मना कर देती है। राजकुमार के कैरेक्टर का दिल टूट जाता है, वो अपने आप को साबित करने के लिए निकल पड़ता है। क्या वो आरती को वापस ला पाता है, उनकी शादी होती है या नहीं, ये आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। हम समझते हैं कि आप हमसे इतना गुस्सा क्यों हैं। हम गुस्सा नहीं है, हम नफरत करते हैं आपसे। अलीगढ़ फिल्म जो आई थी 2016 में, जिसे हंसल मेहता ने डायरेक्ट किया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के होमोसेक्सुअल प्रोफेसर रामचंद्र सिराज के जीवन पर यह आधारित थी। मनोज वाजपेयी ने प्रोफेसर रामचंद्र सिराज की भूमिका इतने अच्छे से निभाई कि क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों से उन्हें ढेर सारा अप्रिसिएशन मिला। लेकिन राजकुमार राव का किरदार भी फिल्म में इम्पोर्टेंट था। उन्होंने रिपोर्टर दीपू की भूमिका निभाई है। ये फिल्म विवादित आईपीसी सेक्शन 377 पर भाष्य करती है, और राव का कैरेक्टर इस नैरेटिव को स्थापित करने में अहम किरदार प्ले करता है। यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने मुझे धमकी दी थी कि वह ज्यादा दिन तक मुझे चेयरमैन के पद पर नहीं टिकने देगा, और एक हफ्ते के बाद यह घटना घट गई। अब गए इसलिए काय पोछे ऐसी पहली फिल्म थी जिसने राजकुमार राव को मेनस्ट्रीम सिनेमा में लाइमलाइट में लाया था। चेतन भगत के नावेल थ्री मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ पर आधारित इस फिल्म की कहानी तीन दोस्तों की है। इन दोस्तों की कहानी और उनका नेचर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, पर तीनों का एक सपना है कि वो एक स्पोर्ट अकेडमी खोलना चाहते है। राजकुमार राव ने इस फिल्म में एक आम आदमी गोविंद की भूमिका निभाई है, जो हम्बल है और अपना गोल पाने के लिए सिंसियरली काम करता है। राजकुमार राव के कैरेक्टर का बॉयज चार्म आपको अपने प्यार में जरूर गिरा सकता है। साला हसन पैसे लेके गायब हो गया है। मोल इसके मामा के 5 लाख रुपए गले में अटक रहे, पता है तुझे? पता है ना तुझे 5 लाख देने इसके मामा के, पता है ना? तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? तू समाज सेवा कर रहा है? हैं? चल पैसे लेके, जब पैसे लेके मुझे मेरे पैसे ही मुझे नहीं बता, जा नहीं ला सकता यार। नंबर 5 पर है 2014 की फिल्म सिटी लाइट्स। हंसल मेहता, अपूर्वा असरानी और राजकुमार राव की तिकड़ी का जादू आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। राजकुमार राव का इस फिल्म का परफॉर्मेंस आपको बहुत लंबे समय तक याद रह जाता है। फिल्म की स्टोरी दीपक नाम के एक आम आदमी की है, जो अपने लाइफ को और बेहतर करने के लिए राजस्थान से मुंबई अपने परिवार के साथ आता है, लेकिन स्टोरी में तब टर्न आता है जब उसे सिटी लाइफ की असलियत पता चलती है। कहाँ से आए हो तुम लोग? राजस्थान से। घर ले जाएंगे वापस? गाँव नहीं जाना अभी। काम मिलेगा कोई बात? जानकारी है हमारे को कपड़ों की। दस चलो दस। तुझे क्या हुआ? तुझे तो आसानी से काम मिल जाएगा। 4वें नंबर पर है 2013 में आई फिल्म क्वीन, जिसे डायरेक्ट किया था विकास बहल ने।
फिल्म पूरी तरह कंगना के कैरेक्टर रानी के बारे में थी, लेकिन राजकुमार राव के परफॉर्मेंस ने इस फिल्म को अलग ही लेवल पर एस्टेब्लिश किया है। राव ने इस फिल्म में रूढ़िवादी और कंफ्यूज्ड कैरेक्टर विजय प्ले किया है। फिल्म में राजकुमार राव के गिने चुने ही सीन्स है, पर उन्होंने इस फिल्म पर अपनी पूरी छाप छोड़ी है। सुनो ना, मेरे नाम पे टैटू कराना। क्यों? क्यों क्या? सैफ ने तो कराया करीना के लिए। तो आपको कराना चाहिए ना। मैंने तो कराया हुआ ना दिल पे। माय हार्ट्स क्वीन। तीसरे नंबर पर है विक्रमादित्य मोटवानी द्वारा डायरेक्टेड फिल्म ट्रैप्ड, जो आई थी 2016 में। राजकुमार राव का इस फिल्म का परफॉर्मेंस उनके करियर के सबसे बढ़िया परफॉर्मेंसेस में से एक था। फिल्म की कहानी एक युवा की है जिसकी इनकम लिमिटेड है। अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए उसे घर की जरूरत है। वो सस्ता सा अपार्टमेंट जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में है वो किराए पर लेता है। स्टोरी ड्रामेटिकली टर्न लेती है जब वो अपने आप को इस एम्प्टी अपार्टमेंट में एक्सीडेंटली लॉक कर लेता है, जहां ना पानी है ना खाने को है। इस रोल की प्रिपरेशन के लिए राजकुमार राव ने अपने आप को कई दिनों तक रूम में बंद कर लिया था। किरदार के अंदर घुसने के लिए कई दिनों तक कैरेट और कॉफी के डाइट पर ही थे। दो 2017 के ऑस्कर के लिए इंडिया की ऑफिशियल एंट्री न्यूटन थी। छत्तीसगढ़ के नक्सल एरिया पर आधारित ये बहुत ही ब्यूटीफुल और विजुअली स्टनिंग फिल्म थी। फिल्म के डायरेक्टर थे अमित मसूरकर और फिल्म को लिखा था मयंक तिवारी और डायरेक्टर मसूरकर ने। फिल्म की कहानी एक युवा सरकारी अधिकारी जो कि राजकुमार राव का किरदार है उसकी है, जिसे इलेक्शन ड्यूटी के लिए नक्सलाइड एरिया में जाना पड़ता है। वो इस सेंसिटिव एरिया में फेयर और फ्री इलेक्शन करवाना चाहता है। एक युवा का सिस्टम पर का विश्वास, एक देश के लिए इलेक्शन और डेमोक्रेसी के क्या मायने होते हैं, इस विषय पर फिल्म में भाष्य किया गया है। इलेक्शन बूथ में तो ताश खेलने की पुरानी परंपरा है, डिपार्टमेंट में सस्पेंड होने की भी पुरानी परंपरा है। वोटर कार्ड वाले, वोटिंग मशीन एक खिलौने जैसा है, जो पसंद आए अच्छा लगे वो बटन दबा दो। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप, एक खिलौना नहीं है वोटिंग मशीन। आप चुप रहिए। शाहिद आजमी जो कि पेशे से लॉयर थे, उनके जीवन पर यह फिल्म आधारित है। शाहिद आजमी उन गरीब मुसलमानों का केस लेने में पॉपुलर थे जो अपने नाम के कारण सिस्टम का शिकार थे। फिल्म की कहानी उस रियल लाइफ के सच्चे हीरो की है जिसे बचपन में नेशनल सिक्योरिटी पर खतरा बताकर गिरफ्तार किया गया था। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और उन बेगुनाहों की मदद की जो अपने नाम के कारण उन पर टेररिस्ट के चार्जेस लगते थे। राजकुमार राव ने शाहिद आजमी का किरदार इतनी बेहतरी से निभाया है कि वो रियल में आजमी लग रहे थे। राजकुमार राव को उनके इस परफॉर्मेंस के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट के बेसिस पर इतने बड़े बड़े हाथ से करते हैं यानी, कि लेकिन लगता है शाहिद साहब को इसकी बड़ी अच्छी जानकारी है। Nobody trying to say. आपने काफी समय बिताया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, है ना? Are you accusing me? आज के लिए इतना ही। आपकी राजकुमार राव की कौन सी फेवरेट फिल्म या उनका निभाया कौन सा किरदार आपका फेवरेट है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।